नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। और आज का ये वीडियो है दैनिक राशिफल के बारे में, 18 जुलाई 2019। आज का ये वीडियो है चंद्र राशि प्रिडिक्शन है, चंद्र राशि आधारित प्रिडिक्शन है। आज के चंद्र, आज का नक्षत्र आपको कैसा फल देने वाला होगा, कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए दिन आज का ज़्यादा शुभ है, कौन से नक्षत्र में जन्मे हुए जातक स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे, क्या है आज का लकी कलर, क्या है आज के ग्रह मन, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको बता दें कि आज का पंचांग जो है वो इस प्रकार है, विक्रम संवत 2075 आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, गुरुवार, बृहस्पति यानी कि बृहस्पतिवार है। और जो नक्षत्र है मिडनाइट तक श्रवण नक्षत्र है, योग प्रीति करण तैतिल और चंद्र राशि जो है वो मकर है। अहमदाबाद में आज सूर्योदय जो है वो सुबह 6:06 का है। और आज का जो सूर्योदय का लग्न है ये कर्क लग्न है, 0 डिग्री का। और ग्रहमान आज के इस प्रकार हैं, सूर्य कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के अंदर अभी सूर्य वर्गोत्तमी चल रहे हैं। वर्गोत्तमी ग्रह जो होते हैं वे उच्च के जैसा फल देते हैं। सूर्य कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में है, चंद्र का आज का नक्षत्र श्रवण रहेगा मकर राशि, मंगल अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, चतुर्थ चरण के अंदर चल रहे हैं, बुध रिट्रोगेड हैं पुष्य नक्षत्र में, गुरु रिट्रोगेड यानी कि बकरी है ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में, मंगल और बुध दोनों कर्क राशि में हैं, गुरु वृश्चिक राशि में है, शुक्र मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में है, शनि धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वक्री है और राहु केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं, राहु पुनर्वसु और केतु पूर्वाषाढ़ा में हैं। राहु मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में चल रहे हैं, जबकि केतु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर चल रहे हैं धनु राशि के अंदर। तो जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर आज के ग्रह, आज के सितारे, आज के तारे आपको कैसा फल देने वाले होंगे। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए। तो मेष के लिए जो चंद्र है आज 10वां चंद्र है, 10वां चंद्र जयकर्ता माना जाता है। तो इस हिसाब से आपको बिजनेस में एवं करियर में प्रोग्रेस करवाने वाला दिन रहेगा आज का। और मेष राशि में जो कोई भी जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, ये जातक थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे रिगार्डिंग बिजनेस एवं करियर के बारे में। या तो आपको जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और रिलेशन में खास करके फादर के साथ केयर करना होगा। और विवाहित जो जातक हैं इनको अपने इन लॉस में खास करके मदर इन लॉ के साथ ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि 10वां चंद्र जो है यहाँ से आपके फादर और विवाहित जातकों को अपने इन लॉस में मदर इन लॉ 10वें स्थान से देखे जाते हैं। फिर भी 10वां चंद्र जयकर्ता माना जाता है, तो इस हिसाब से आपको बिजनेस में करियर में प्रोग्रेस देखा जाएगा। जो कोई भी जातक मार्केटिंग से कनेक्टेड है बिजनेस के अंदर, जिनको घूमने के साथ काम करना होता है, ऐसे जातकों को लिए आज का दिन ज़्यादा सक्सेस वाला रहेगा। राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज 9वें स्थान के अंदर है, भाग्य स्थान के अंदर है, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। यात्रा प्रवास से आपको बेनिफिट मिल सकता है, नए साहस से आपको लाभ मिल सकता है, तो दिन आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशन में खास करके सिस्टर से ज़्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि जो आज का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, ये चंद्र का नक्षत्र है। तीसरी राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए चंद्र आज 8वें स्थान के अंदर है, 8वें चंद्र कतई शुभ नहीं माने गए हैं, 8वें चंद्र मृत्यु स्थान के चंद्र हैं। तो यदि आप नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरें,
व्हीकल ड्राइव में भी केयर करना होगा, यानी कि वाहन चलाने में विशेष केयर करना होगा, और फाइनेंशियल मैटर में केयर करना होगा, और रिलेशन में खास करके आपको अपने इन लॉज के साथ, जो भी जातक विवाहित है इनको इन लॉज बोले तो आपके सास ससुर के साथ ज़्यादा केयर करना होगा। राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज सप्तम स्थान के अंदर है, जो कि आपके लिए मध्यम फलदायी है, क्योंकि नक्षत्र श्रवण है और कर्क राशि के जो नक्षत्र हैं ये पुनर्वसु, पुष्य एवं अश्लेषा है। इसमें भी खास करके कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन वाला रहेगा। तो जो भी जातक विवाहित हैं इनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। राशि चक्र की पांचवी राशि अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज छठवें स्थान के अंदर है, जो कि रोग एवं शत्रु पर आपको विजय देने वाले होंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि सिंह राशि के अंदर जो कोई भी जातक का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए आज का दिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन वाला रहेगा, और ये स्ट्रेस टेंशन आपको मामा या मौसी की ओर से आ सकता है, यानी कि मैटरनल साइड की ओर से आ सकता है। अदरवाइज जो कोई भी जातक जॉब कर रहे हैं तो साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण के कारण भी आ सकता है। सिंह राशि के अंदर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए आज का दिन ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि आज का जो नक्षत्र है आपके लिए संपत्ति देने वाला नक्षत्र है। राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि में भी जो कोई भी जातक का जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए आज ज़्यादा सक्सेस वाला दिन है। पंचम स्थान का चंद्र है, धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला दिन रहेगा, लव मैटर में सक्सेस देने वाला दिन है, और मित्रों से लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, और आपके लिए दिन ज़्यादा शुभ रहेगा। राशि चक्र की सातवीं राशि वायु तत्व की राशि तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज चतुर्थ भाव के अंदर है, छाती के ऊपर चंद्र है, अननेसेसरी टेंशन स्ट्रेस कंफ्यूजन आपका बढ़ सकता है। रिलेशन में आपको माता के साथ, विवाहित जातकों को इन लॉज के साथ ज़्यादा केयर करना होगा। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करने का आता है तो सोच समझ के आगे बढ़े, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। राशि चक्र की आठवीं राशि जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए चंद्र आज पराक्रम स्थान के अंदर है, आपको नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा, ब्रदर सिस्टर से भी आपको लाभ मिल सकता है, यात्रा प्रवास से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। दिन आपके लिए बहुत शुभ है, पराक्रम स्थान का चंद्र है, नए साहस करने के लिए आज का दिन ज़्यादा शुभ रहेगा। राशि चक्र की नवमी राशि धनु राशि। अग्नि तत्व की राशि धनु राशि के लिए चंद्र आज धन भाव के अंदर है, वाणी में जितनी मिठास नरमास रखेंगे इतना ही आपको आज ज़्यादा लाभ रहेगा। राशि चक्र की दसवीं राशि मकर राशि के लिए चंद्र अपनी ही राशि के अंदर है, और मकर राशि में भी जो कोई भी जातक का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए आज का दिन ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि आपके लिए संपत नक्षत्र में चंद्र है और चंद्र भी बलवान है, क्योंकि आज दूज है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, चंद्र बलि है, कहीं ना कहीं आपको धन संपत्ति में वृद्धि होने वाला दिन है, फाइनेंस का बेनिफिट रहेगा, दिन आपके लिए बहुत शुभ है। राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि वायु तत्व की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए चंद्र बारहवें स्थान के अंदर है, और चंद्र का नक्षत्र भी बहुत वाइब्रेंट है, श्रवण नक्षत्र है। आज के दिन के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आने वाले समय में आपका डिसीजन गलत और सिद्ध हो सकता है, और उसके कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये जो बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का, यू टर्न लेने वाला कोई डिसीजन है, तो उसमें आप
जल्दबाजी में आज कोई डिसीजन ना ले, रूटीन कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है इसकी जो योनि है ये वानर योनि है। वानर बहुत मतलब उछल कूद करने वाले होते हैं, बहुत वाइब्रेंट होते हैं, तो ऐसे ही आज आपका दिमाग वाइब्रेंसी बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि एक तो चंद्र बारवा चंद्र है और नक्षत्र भी बहुत वाइब्रेंट है, जिसके कारण माइंड के वाइब्रेशन बहुत बढ़ेंगे और ऐसी परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। राशि चक्र की 12वीं राशि जल तत्व की राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए चंद्र 11वें स्थान के अंदर है, 11वें स्थान के अंदर चंद्र आपके लिए शुभ है, स्त्री मित्रों से लाभ करवाएंगे, मित्रों से लाभ करवाएंगे, संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, वो दिन आपके लिए बहुत शुभ हैं। तो आज का जो नक्षत्र है, कौन कौन से नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए श्रवण ज़्यादा शुभ रहेगा, श्रवण नक्षत्र जो है वो आज के दिन के अंदर सबसे पहले तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले जातकों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाला होगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा के बाद तुरंत ही नक्षत्र श्रवण आता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में धनु एवं मकर राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। उसके बाद जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हैं सिंह एवं कन्या राशि के अंदर, इनके लिए भी बेनिफिट वाला रहेगा। और तीसरा जो नक्षत्र सूर्य का कृति का है, ये मेष एवं वृषभ राशि के अंदर है, इनके लिए भी बेनिफिट वाला रहेगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले जातकों को रहेगा। और कौन कौन से नक्षत्र में जन्मे हुए जातक ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे, तो जो श्रवण नक्षत्र की योनि है वो वानर योनि है, तो आज का जो नक्षत्र है ये आद्रा एवं मूला नक्षत्र में जन्मे हुए जातक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे रिगार्डिंग फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के बारे में। और कुटुंब में भी कलह हो सकता है, तो वाणी में आपको संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, क्योंकि जो धनु राशि में मूला नक्षत्र में है जो कोई भी जातक का जन्म हो, तो आपके लिए ये चंद्र धन भाव के अंदर है, तो फाइनेंशियल मैटर की वजह से स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, या तो पारिवारिक मामलों के कारण भी टेंशन स्ट्रेस आ सकता है। ऐसे ही मिथुन राशि के अंदर आद्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए चंद्र आज अष्टम स्थान के अंदर है, तो यहाँ पर भी आपको पारिवारिक मामलों के कारण टेंशन आ सकता है, या तो फाइनेंशियल मैटर के कारण टेंशन आ सकता है, क्योंकि आपके लिए चंद्र शत्रु योनि के अंदर है और अष्टम स्थान के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन आज के दिन के अंदर जो कोई महसूस करेगा तो ये जातक रहेगा मिथुन राशि वाला। और आद्रा नक्षत्र में जन्मे जातक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे। क्या करना है श्रवण नक्षत्र की शांति के लिए? श्रवण नक्षत्र की जो योनि है वो वानर योनि है। बहुत सिंपल प्रयोग है, श्रवण नक्षत्र की शांति के लिए महत्तम आप बंदरों को खिलाइए, मैक्सिमम फीडिंग टू मंकीज। बंदरों को खिलाना पॉसिबल नहीं है तो आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, हनुमान जी को कुछ भोग चढ़ा सकते हैं। और आप विधर्मी हैं, दूसरे धर्म वाले हैं, तो आप अपने ईष्ट देवी या देवी का महत्तम ध्यान मंत्र कर सकते हैं। आज का जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा वाइट, और वाइट एंड येलो, क्योंकि सूर्य का जो नक्षत्र है ये पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य चल रहे हैं, तो सूर्य का लकी कलर रहेगा पीला और चंद्र का नक्षत्र जो है इसका कलर रहेगा वाइट, तो येलो एंड वाइट इज लकी कलर फॉर टुडे। और घर से आपको मुरमुरे या तो मुरमुरे या राइस की कोई आइटम, साथ में चना दाल या दालिया, या तो चना बेसन की कोई आइटम घर से खा के निकलना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का एक बटन तो जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।